जब तक मैं ना बोलूं कोई करेगा, जिसके सर पे टैप हुआ है सिर्फ वो आंख खोले मुझे देखे, बाकी सब सो रहे हैं। जिसके सर पे टैप हुआ है वो माफ किया है, बाकी सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं, कोई नहीं उठेगा। जिसके सर पे टैप हुआ है वो आंख खोले मुझे देखे। राधिका वोल्ट मनीषा भी देखो, सबको डिफेंड करना है, तेरे को क्यों ना मारा जाए, डिफेंड करना है। मैं तो मार दूंगी मुझे, फिर तू कुछ नहीं करेगा, वो बच्चों साथ खेल लो जाने। जिसको बचाया उसको किसी ने नहीं मारा था, तो मतलब अब इस राउंड में दो लोग मर गए। अब मैं बता रहा हूँ वो कौन है, ठीक है। बच्चों की पुलिस मुझे देखे, किसी को भी मार दे तो उसको लगता है बचा हुआ माफिया है, इशारा करके। दो कैप्टन चूज करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी टीम ले जाएगा। किसको कैप्टन बनने का मन है, ठीक है, कौन कौन जिसका हाथ खड़ा है, 1 2 3 4 5 जो जो कैप्टन है खड़े हो जाओ एक बार इनके साथ, एक को ऐड कर लो, 6 एक टीम हो गए, एक टीम। नहीं, पांच कौन कौन है दिखाना मुझे। नहीं, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया तो बैठा रहे, तूने नहीं किया था। नहीं, फिर नहीं है। 1 2 3 4 5 ठीक है, तो ये पांच में से हम दो कैप्टन चूज करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम सबको एक एक लाइन में बताना है कि तुम में मैं क्यों कैप्टन चूज करूं, तुम में ऐसा क्या बेटर है इन चारों से। मैं? हाँ, तुम्हें से दो ही होंगे। मैं कैप्टन बेटर बनूंगी क्योंकि मैंने सबको ऑब्जर्व कर लिया, मेरे को पता है सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। आप टीम में आओ फिर बताएंगे। ओके, मैं बेटर लीडर इसलिए बन सकती हूँ कि मैंने भी ऑब्जर्व किया लोगों को, और मेरे में ऑब्जर्व करने की क्यूरियोसिटी ज्यादा है, और मेरे पास सिम्बा है, मेरे पास सिम्बा है, और मैं अच्छे से लोगों को समझ सकती हूँ। आई कैन बी द कैप्टन बिकॉज आई नो इफ वी आर इन अ टीम हम अच्छा ही खेलेंगे, और मतलब आई विल गिव माय 100% एंड आई विल चीयर देम फॉर श्योर। पहली बात मैं सबको ट्रांसफर, सेकंड चीज के मैं की वाइज मैटर करती है, यू नो माउंटेन सीख के भी चढ़ सकते हैं लोग, पर दिल से जो माउंटेन चढ़ना चाहते हैं वो फीलिंग अलग होती है, ठीक है। तो दिल से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मैं टीम को बहुत ऑप्टिमिस्टिक रखूंगी टू एक्चुअली विन। सबकी रीजन तो सबके रीजंस बहुत अच्छा है, बट आई थिंक मेरे को कैप्टन बनना चाहिए क्योंकि मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ एंड आई डोंट बिलीव इन लूजिंग, तो इफ देयर इज एनीथिंग दैट रिक्वायर्स विनिंग आई विल टेक द टीम टू द एंड लाइन एंड मैं ही जिताऊंगी। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बात वो है। सेकेंडली, मेरे को ऑब्जर्वेशन तो चलो सबने किया ही एक दूसरे का, पर मेरे को विनर्स दिख गए यहाँ पे, तो आई विल चूज विनर्स फॉर माई टीम। सो हाँ, मेरी टीम में एंटरटेनमेंट गारंटीड है, ठीक है। सब वोट कर रहे हैं, एक वोट कर रहे हैं सब, ठीक है। वोट अनन्या वोट। हाँ, कह रहा शॉल वाली। पूर्वा, प्रकृति, शॉल वाली, प्रिया, आई लव यू, सूर्या, रिया, मोनिशा, अदिति पे वोट्स कितने थे, 1 2 3 4 और रिया पे 1 2 3 ठीक है। मोनिशा पे 1 है, बैठ जाओ। वोट कितने है? नहीं है, बैठ जाओ। वोट कितने है? 1 है, बैठ जाओ। दो कैप्टन मिल गए, ठीक है। मेरा भी वोट है, मेरा भी रिया पे है, ठीक है। मैं कैच कर, मैं कुछ भी करूं ना स्पिन करना नहीं आता, ठीक है, ठीक है। ऐसे करना सीख लो, आज जो नहीं आता है सीख लो, तुमने कहा ना गुड लर्नर, चलो। यस यस, क्या है टेल्स है, ओवेस में और रूबेन नहीं है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है। पूर्वा, ठीक है। दिव्यांश, बोल तो मानते हो, अच्छा पीछे मुंह बुला लो अपने, और जिसका जो सेलेक्ट होने जा रहा है अपने कैप्टन के पीछे चले जाओ। अभी दोस्तों मस्त टीम्स बन चुके हैं, दो अच्छी टीम्स बनी है, और एक की कैप्टन है अदिति, हाय कैप्टन, और एक कैप्टन है रिया, हाय रिया। टीम के नाम भी बता दे, तो बस इनफ टाइम है, ठीक है,
आपस में डिस्कस करने का, ठीक है, आपस में सोचने का, ठीक है, और कोई भी पॉइंटर्स, एक टॉपिक है कॉमन है दोनों का, कोई भी टॉपिक्स मतलब इस टॉपिक के बारे में कोई भी पॉइंटर्स लिख सकते हो, ठीक है, जो भी मन में आए, ठीक है, आराम से टाइम लो, आराम से डिस्कस करो, और जिसके अच्छे पॉइंटर्स होंगे हम उस पर इवैल्यूएट करेंगे। वैसे इवैल्यूएट तो कुछ नहीं करेंगे, पॉइंटर्स मतलब बताता हूँ मैं। तो टॉपिक है, क्या मेल ट्रिप लीडर्स बेटर ट्रिप लीडर्स हैं या क्या फीमेल ट्रिप लीडर्स बेटर ट्रिप लीडर्स हैं? कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर। हम दोनों पे लिख सकते हैं कि एक एक पे? तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। कुछ डाउट है पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क। व्हाई ओनली मेल एंड फीमेल पीपल आइडेंटिफाई सो मेनी अदर थिंग्स? ये तुम अपने पॉइंट में ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ना। बहुत अच्छा पॉइंट, जाओ गिव इट अवे, गिव इट अवे, चुरा लिया, चुरा लिया, ठीक है, समझ आ गया सबको। आपस में अलग जाके बैठना है, अपनी बेडशीट जरा लेके तो कहीं अलग। देखो अब तुम दो टीम्स हो, ठीक है, जिसको जहाँ जाना है अलग बैठना है, जो करना है करो। हम टाइम रखते हैं 12:44 है, 1:15 पे मिलते हैं। विजय ने मेरे से पूछा था ना कि वीडियोस क्यों बनाई थी। हाँ, जब आपको एक टॉपिक मिला था, आपको तीन क्वेश्चंस मिले थे, आपको बताया था कि वीडियो बनानी हो। अब आप कैसे फॉन्ट्स यूज करते हो, कैसे अपनी स्टोरी बताते हो, कैसे आप कैमरे के सामने अपनी चीज प्रेजेंट करते हो अंडर वन मिनट और अंडर अ टाइम लिमिट, दैट डिफाइंस यू। तो अभी जो टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, एंड हाउ यू प्रेजेंट इट, ऐसे पॉइंटर्स तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम ये भी सोच सकते थे कि ये चीज मैं अपनी चीज में ऐड कर सकती हूँ। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें अपने में डिस्कस करो, और फिर आराम से बैठ के थोड़े टाइम में मिलेंगे। तब तक टाइम है, आराम से बैठ। 1:15 बोला ना आपने? 1:15, हाँ। बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, हाँ। यही मिलेंगे हम, ठीक है। बट व्हेन यू से बेटर, वहाँ पे द टॉपिक चेंजेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटीज क्या डिफरेंट आएंगी एंड जो लोगों की प्रायोरिटीज होंगी व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, लाइक इट कुड। No, hello. Eating the audio. Audio off. Audio off. This is stealing our ideas, going and giving it to them. No, this is rigged. Also, वो कहाँ गया? Tails. हाँ? Tails. Head. हम पहले रहेंगे. नहीं, वो तुम जीते हो. You get to choose whether you want to go first. आप जाओगे बनो. Okay. कहाँ जाने? हम कहाँ जाएंगे? पहाड़ में. हमें जो भी मतलब जो भी तैयार किया उन्होंने, हमें क्या पता? हमें पहाड़ पे जाना है, फिर वाले. हम उधर तो वहाँ चलेंगे. चले. और हम कहाँ जाए? मैं भी तेरे जैसा हूँ। हम व्यूअर्स, हम दोनों का डाउट है हम कहाँ जाए। मैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, सब बाउंसर जा रहा है ना। मैं ये मेरे को तो जूते भी नहीं बता वहाँ रखू, उधर को रखू यार। बैठ दो, बैठ दो। आगे से नहीं होगा भाई। थैंक यू, थैंक यू। सुके सुके, अरे बस थोड़ा सा पकड़ लेगी। हां हां, तू पकड़ ले, ये भी खा लेगी बैग, पूरा को दे दे यार। नहीं यार, ये सुन लो यार, अरे इसको पकड़ाओ। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मेरी फटी पड़ी यार, सॉरी। कोई बात नहीं, हो गई यार, अब पूरा सबमिट हो गया। तू बोलो बोलो। ओ पहुंच गए, फोटो खींचो, फोटो खींचो। लेकिन साथ में कौन जा रहे हैं यार? दो तीन लोग हैं, लड़के ही है, बट लड़के हैं, लड़की नहीं है यार। कैसा लड़का है? एक भी लड़की दोस्त नहीं है तेरी मेरे। अरे यार क्या करे, अब देखना पड़ेगा क्या हुआ। मम्मी मानी नहीं? नहीं यार, कोई तो लड़की होनी चाहिए ना। रुक, देखना पड़ेगा, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा थोड़ा स्टोरी बताना, ये आइडिया कैसा आया और रोल्स कैसे डिवाइड हुए, कैसे सब हुआ?
think primarily how it got decided was ki jahan se jiska idea aa raha tha usko I think he also gave the role ki acha this is your idea to and this was the only male member to usko sare male wale responsibilities mil gaye hum sab baat hi kar rahe the to I think bahut sare pointers aaye to humne usme add on karte gaye then kisi ne कुछ बोला किसी ने कुछ बोला सो आई थिंक इट बिकेम कनेक्ट करना था कि पॉइंट वेरी कैसे कनेक्ट कर दिया हमें हमने सोचा कि बोलना विल बी वेरी बोरिंग सो वी जस्ट तो आई डोंट बिना स्किट के हम कन्वे नहीं कर पाते मैं नाच से एंड देन बिफोर वी स्टार्ट व्हाटएवर वी हैव कम अप विद फर्स्ट हमें अपनी टीम का नाम बताना है और हमारी टीम का नाम है चटक चमेलीज एंड एज यू गाइस कैन सी आवर टीम डज नॉट ओनली हैव चमेलीज वी आल्सो हैव चमेलास सो ओवर टू देम I think that is one point that we wanted to make, which they have already spoken, but we have very emphasis on the point. अब चमेली हो या चमेला उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. Reason being, अभी कोई भी movie उठा के देख लो, Bollywood, Hollywood, कोई भी घर के सारे घर में नाटक, even Tollywood. One person who is super calm, composed, and always has got the smile on his face is the person everyone wants to follow. Everyone wants to go to. Doesn't matter if it's a male or a female. इसलिए हमने बहुत सारे points curate करे हैं. Of which the first point says कि जब कोई बंदा बहुत ही calm, composed और with a smile ही जाता है, it doesn't really matter what the name or fame or the game is, it's that person which goes in. So for me, I would in a track leader, I would look for someone who motivates me, because tracks में क्या होता है, लोग बहुत थक जाते हैं. But a trip leader should also understand. A trip leader should also understand when is it time to take the right decision, the conscious decision. ये नहीं कि अगर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं वो पहाड़ चढ़ सकती हूँ, पर मैं नहीं चढ़ सकती, मुझे पता है आधे रास्ते में मैं थक चुकी हूँ. तो मेरे ट्रिप लीडर को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं उतनी फिजिकली फिट या मेंटली फिट नहीं हूँ कि मैं वो पहाड़ चढ़ सकती हूँ, तो मेरे को भी अकोमोडेट कैसे करना है, शुड नो इट. रिलेशन बहुत जरूरी है, तो रिलेशन आएगा कहाँ से? अटैचमेंट. और अटैचमेंट कैसे से और कहानी बंदा होना चाहिए जो रिलेट कर पाए, ठीक है? तो किस्से और कहानियां बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपनी एक किस्सा, एक कहानी बना पाए जिसके लिए हम सारे जाते हैं. वरना जाने के लिए तो मैं भी रोज जाता हूँ सामने वाले पार्क में, बट मैं घूम के आया था, बट मुझे नहीं पता है ईसा खान टॉम है तो मैं जा क्यों रहा हूँ. वॉल तो मेरे घर पे ही बनी हुई है, टॉम तो मैं अपनी छत पे ही बना सकता हूँ. मेरे वॉशरूम के ऊपर भी एक बना हुआ है, बट मैं उसको टॉम नहीं बोलता, मैं उसको टॉम इसलिए बोलता हूँ उसके पीछे रीजन है, कहानी किस्सा है, ठीक है? एक तो जो हमारी तिरछी प्रकृति ने जो ब्लैबर कर लिया था, हमने उसी को बेसिस बना के ऐसे पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया. वी लाइक रोट अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स. आपसे दोस्तों, ये मैं सुबह आए थे और अभी टाइम हो गया, दोपहर बज गया. खाना नहीं खाना था हम तो, भूल नहीं रखा, पहले खाना खाते हैं. दोस्तों अभी ना ब्रेक टाइम है और इसके बाद एक बहुत फन एक्टिविटी है. अभी तक आपने जो देखा ये एक दूसरे को जानना पहचानना था, लेकिन अब एक्चुअल एक्टिविटी आने वाली है जिससे की बहुत फन होने वाला है हम सबको भी, इन सबको भी और आप सबको भी. लेकिन हम पहले थोड़ा खा लेते हैं. खाना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ. चलो खा ले खा ले. डर गए भाई, जैसे शादियों में नहीं घुस जाते फोन लेके. वो एक बार आ जाओ, अभी मैं चार नाम ले रहा हूँ, इधर आ जाना, ठीक है? रिंग मारी, राधिका आप मुंबई नहीं आ रहे, मजाक करो करो दोबारा, जब तक एक नहीं आएगा तब तक कैसे रहना. एक हट जा, दोबारा कोई भी चूज कर लो टीम के लिए. तुम्हारी एक टीम बनेगी, तुम्हारा मन है, ठीक है? तुम्हें जीतना है तो मतलब
बेस्ट टीम अपने हिसाब से जो तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से बेस्ट होने वाला चूज करके अपनी टीम में ऑर्डर ऑर्डर वाइज बट आप सिर्फ प्लीज ठीक है ओ ये हां अनन्या प्लीज नाउ स्किप दिस अनन्या क्या नाम है प्रैक्टिस दिव्यांश दिव्यांश आ जाओ सूर्या सूर्या मस्त अनन्या स्टार्टिंग में हेल्प करूंगा अभी तुम्हारे को दिक्कत नहीं इंग्लिश ट्रेजेंट में एक चीज ढूंढते स्कैवेंजर में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं ठीक है मल्टीपल ट्रेजेंट में एक ही चीज ढूंढ रहे बहुत सारे लोग ठीक है तो टास्क है ठीक है 4 बजे हमें सेम टाइम पे रिपोर्ट करना है यहाँ पे हड़बड़ी में मत करना अपनी हर चीज पढ़ लेना अच्छे से ट्राई करना अच्छे से चीजें जो भी करनी है करना ठीक है 4 बजे ही मिलेंगे ट्राई करना मैक्सिमम चीजें खत्म करो या सारी चीजें खत्म कर दो बेस्ट ठीक है एक बार चेक करो डिलीवर हो अनन्या ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट राधिका ऑल द बेस्ट थैंक यू Bring Mari, all the best. दोस्तों यहाँ पे उनका हंट का तो पता नहीं हमारा कुछ हंट चल रहा है क्या BTS BTS ये कौन सा हंट है bro what are you doing हाँ what are you doing देख के आते चल अच्छे टास्क दिए बहुत फन टास्क हैं जैसे कुछ टास्क मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ठीक है आपको मजा आएगा आप घर बैठे भी कर सकते हो सही है कुछ है जैसे कि स्क्विरल के साथ पिक्चर खींचनी है स्क्विरल के साथ नहीं स्क्विरल की मैं सब खींचता ठीक है मतलब कि एक किसी के पेट के साथ पिंक फ्लावर्स लाने हैं और किसको कुछ योगा आसन करना है पूरे ग्रुप को कोई फोटो खींचेगा और कोई कोई भी ट्रेंडिंग रील पे आपको डांस करना है ये मेरे को बड़ा फन लगा क्योंकि मैं बिल्कुल डांस नहीं करता हूँ ये भी नहीं करता और ये भी नहीं करता भाई 10 ऑटोग्राफ लेके आने किसी स्ट्रेंजर्स के किसी भी और फोटो खींचने सबके साथ ऐसे बहुत सारे हैं हम ये स्क्रीन पे लगा देंगे जो भी हमें मिलेगा हम आपको दिखा देंगे तो ये टास्क है ऑलमोस्ट टाइम हो गया 10 मिनट 11 मिनट रह गए इसके बाद हम सबसे मिलने वाले हैं देखते हैं किसने टास्क पूरा किया है और किसने नहीं और कितने किसने कितने अच्छे से करा है जिंदगी सवाल दो क्या मतलब क्योंकि उसमें लिखा हुआ था तो हम कंफ्यूज हो गए एवरीवन कौन है तो पहले दो लोगों ने किया सब लोग फिर हम तीनों ने किया फिर हमने पार्क में और लोगों से भी करा लास्ट में आई थिंक ये था जब हम 10 लोगों के पास ऐसे जाके सबसे करा रहे थे कि तुम भी कर दो तुम भी कर दो तो हमारे पास हमारी भी है। की फोटो भी है जो कि बहुत सही थी बट वो कहाँ है काफी अच्छी पिक्चर्स हैं ये रही है इंस्टाग्राम में तंबोला खेल रहे थे इस टाइम पे हमने ले लिया क्यों इधर यहाँ बैठे हैं पीछे लोग के पास रशिया से विंटेज कैमरा ग्रुप सेल्फी विद बिलो तीन आई गिफ्टेड टू ऑफ देम आई हैव वन बट आई हैव लाइक अ वीडियो कैमरा जिसमें ऐसे से पकड़ के चलाना सूट कर रहा नाम है ना सच में हमने तो अज्यूम कर लिया हमें फिर जैसा दिख रहा था हमें पहले तो हमारे ग्रुप का नाम है टीम सब्र शुक्र वो तो टैटू है इनके पास टैटू भी करा लेते देर में करवा तो रखा है पालिका भी हुआ है बस बस अभी लीव्स लीव गुड टू ये तो कम भी होती तो यहीं से उड़ा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पतली कमरिया बोले आए हाय ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे कैसा था मजा आया किसको ऐसे ठीक ठीक लगा ठीक ठीक लगा मतलब कैसे ठीक ठीक था मतलब क्यों ठीक ठीक था क्यों फन क्यों नहीं आया टास्क थोड़े और ज्यादा ऐसे टफ हो सकते थे मतलब दिस वाज मोर रनिंग अराउंड श्योर एंड अ लॉट ऑफ लिस्ट बट ऐसे कुछ वो होता ना इसमें थोड़ा दिमाग लगता एक्चुअली क्यूरेट करना पड़ता वुड हैव बीन मोर फन लकड़ी उठा ली मैंने बीएनके भी लिख दिया बट
if it's who is more sensible and I had to work as a team and then do it, so through our loss, it's a curative error. नहीं हमें तो पता था यार, आपको पता था विनोद है यहाँ, विनोद कुछ भी नहीं है, चीजें क्रिएट करनी होती है। जैसे विनोद वाला था, आई थिंक जो विनोद वाला था दैट वाज सेंसिबिलिटी, यू नो यू कैन मेक आउट एनीथिंग आउट ऑफ इट, यूज योर ब्रेन एंड देन जस्ट फाइंड सम विनोद और मेक एनीथिंग विनोद। पत्थर उठा के बोल रहा था कि इसका नाम विनोद है, यू कांट से नो राइट। सो ये वाले कूल थे, बट डंडी उठाना, पत्थर उठाना, दे कुड हैव बीन लिटिल मोर चैलेंजिंग। सही था सर, मतलब मेरे को बस ये लगा कि जैसे लोगों ने बोला कि कुछ चैलेंजिंग होता है, हो सकता था, बट मुझे ऐसा लगा कि इवन दी सिंपलर टास्क जैसे हम कर रहे थे उसमें भी, जैसे कब हम ऐसा करते हैं कि हम कोई कब करते हम ऐसा, तो आई थिंक आई फेल्ट रियली नाइस कि किसमें इतना पेशेंस या टाइम है कि वो दस वो उठा रहा है, स्टिक्स उठा रहा है, पत्ते उठा रहा है, उसमें लिख रहा है। तो आई थिंक आई फेल्ट क्लोज टू नेचर एंड इट वॉज नाइस। मुझे लगता है कि ना जो लाइफ है ना बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा ही सिंपल है, इतनी सिंपल है कि जितना एक डंडी उठा के यहाँ रखना और पत्ता उठा के रखना, हम बेमतलब उस चीज को कॉम्प्लिकेट करके बैठे हैं। मतलब कि जो हम जीना चाहते हैं ना वो ख्वाब है जो हम देखते रहते हैं, जो हम जी रहे हैं वो लाइफ है। मतलब कि जो भी हम छोटी सी चीज भी करते हैं, चाहे पत्ता उठाना ही था, ये लाइफ है, ठीक है। अभी हम जब एक सर्कल में बैठे होंगे ना, मुझे लगता है हम 15 लोगों में से कम 5 लोगों ने पत्ता उठाया होगा, रखा होगा, छोड़ा होगा, या डंडी उठाई होगी, रखी होगी, बट हम कभी ऐसे इंटेंशनली ये चीज़ नहीं करते। इसी की जैसा हम लाइफ में बहुत सारी सिंपल चीज़ें नहीं करते हैं, हमें लगता है ये तो सब कर लेंगे, यहाँ ये तो मैं क्यों ही करूँ, इसमें क्या एक्स्ट्रा है। तो जैसे अभी पूर्वा ने बोला कि मेरे को बड़ा मज़ा आया सिंपल चीज़ें करके, मैं पर्सनली भी, BNK भी पर्सनली, हम ये चीजें करते रहते हैं। मतलब सिंपल चीज जब हम बहुत ही दिल से करते हैं ना, तो जब मुश्किल टास्क आता है ना वो करना टफ नहीं लगता है, जैसे कि लोगों से बात करना, गाना गाना, भी नोट ढूंढना। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि हमने बहुत ही कैलकुलेट करके टास्क रखा है, कुछ हमने कुछ नहीं सोचा, बस आए बना दिया कि ये कर लो, है ना। जैसे स्क्विरल हमें रोज दिखती होगी, बट हम कभी उसकी पिक्चर क्लिक नहीं करते होंगे, कोई भी नहीं करता होगा, ये स्क्विरल ही तो है, कितना नॉर्मल उसको छोड़ रखा है। लेकिन जब आज हमने उसको ढूंढा होगा, हमने उसको देखा होगा भागते हुए, देखा होगा कि वो कितनी स्पीड से भागती है, पानी पीती है, इसने फोटो खींची है। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं ना लाइफ में बहुत मैटर करती है। और मैंने बीच में तुम्हें डांटा दो टीम्स को, है ना, स्पेशली तुम्हारी लिए ये। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक रूल बोला था कि जब भी यहाँ पे कोई बैठ के बोल रहा होगा तो हमारा मेन टास्क है सुनना। तो लाइफ में गुड लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारे अभी काम नहीं आएगा ये, शायद आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद लाइफ में काम आएगा। अभी भी जब यहाँ पे कोई टीम आके बोल रहे थे, तुम नहीं सुन रहे थे, तुम रिया से बात कर रहे थे, और मैंने कितनी बार टोका, डांटने के बाद भी तुम बात कर रहे थे ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब पहली टीम यहाँ पे आके बोल कर गई, लास्ट टीम आई, कोई नहीं सुन रहा था। हम यहाँ पे सब टीम है, ये नहीं कि हमने टास्क कर दिया, हमने बेस्ट टास्क कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो या दूसरे के टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। जब पहली टीम ने डंडियां रखी थी तो सिर्फ वही काउंट कर रहे थे, जब लास्ट टीम ने डंडियां रखी हम सब काउंट कर रहे थे। ओवेस पूरा टाइम नहीं बोला है, लेकिन लास्ट की डंडियों पे इसने भी काउंट किया, ये भी इन्वॉल्व हो गया, है ना। इसका मतलब होता है टीम, टीम 3 लोगों की नहीं थी, टीम 15 लोगों की थी, जो हम सबको साथ में जोड़ने की, है ना। और गाने की बात है, जब मैं शूट करने बैठा, पहली टीम ने क्या गाया, डोरेमोन, सबसे हैपनिंग गाना, पहले एक बारी में उन्होंने पूरा गा दिया, किसी ने नहीं गाया, जब उन्होंने दोबारा गाया सबने गाया, तब वो टीम बन गई, है ना। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, पत्ते और ये डंडी से मैंने क्या सीखा, जब हम वहाँ बैठे थे चादर की, फिर यहाँ आए चादर की, फिर यहाँ आए चादर की, अब लास्ट में चादर नहीं, कहाँ गई, किसी को जरूरत नहीं है। मैं वहाँ कितनी बार बोला बैठ जाओ, सब खड़े थे क्योंकि गंदे हो जाते, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक घंटे में मिट्टी में घूमा है, फोटोज खींच ली, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा लिया, छू लिया, पी लिया, अब सब चिल हो गया है। तो ये ट्रिप्स पे भी काम आता है, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी काम आता है, कि मतलब मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सपने देखता हूँ, हवाई बातें बोलता हूँ और सबसे ज़्यादा उड़ता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड यही है, जो है यही है, यहाँ घास ही है, ये ज़मीन ही है, यही लोग हैं, है ना। और अभी किसी ने बोला शायद कि लोगों से बात करने में मज़ा आया, तुम में से किसी ने बोला कि लोगों से मिलकर मज़ा आया, मुझे नहीं पता है तुम सब यहाँ से क्या लेके जाने वाले हो, बट मैं बहुत कुछ लेके गया हूँ कि तुम सब कितने अच्छे से मिल के आए सबसे,
जब तुम विनोद की फोटोज दिखा रहे थे, कितने खुश हो गए दिखा रहे थे, जब जो भी टीम यहाँ के आके बोल रही थी, पूर्वा, राधिका और विजय कितने अच्छे से उनको सुन रहे थे। मैं ये लेके जा रहा हूँ साथ में कि अगली बार कभी मैं किसी टीम में हूँगा ना, तो मेरे सामने दूसरी टीम होगी, मैं उनको बैठ के सुन रहूँगा। या मैंने अपना टास्क बेस्ट किया हो, लेकिन उनको मैं अप्रिशिएट कर रहूँगा। तो ये मेरा आज का टेक अवे है तुम सब में से। और अगर तुम मेरे को अभी भी किसी को कुछ भी ऐड ऑन करना है इसी टास्क के रिलेटेड, पूरे दिन के रिलेटेड, तुम कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हर इंसान को मुश्किल टास्क करना उतना फन नहीं लगता होगा, या सबको लगता होगा यार ये तो टफ है। जब हम बराबर एक टास्क को करते हैं ना, तब वो अपने आप ही प्यारा बन जाता है। जैसे पत्ता हो गया, या फिर लोगों से बात, हो सकता है रिंग मारी ने आज से पहले किसी को जाके ऐसे ना बोला हो कि स्टिकर लगा लो, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो। पूर्वा का यूट्यूब है ना, मुझे नहीं लगता है कि ये जाके किसी को बोलती होगी कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आज उसने वो सीखा होगा जिसको आने वाली यूट्यूब जर्नी में काम आएगा, है ना। तो ये हमारे टास्क से तुम सबको एक छोटा सा मैसेज था। लाइफ में मैं मतलब बचपन से लेके अभी तक इस मोमेंट तक, ठीक है, चाहे जो भी है मेरी लाइफ में, जो भी है, ठीक है, मेरे को सारे लोगों ने दिया है, मतलब कि मेरे पास खुद का कुछ नहीं है। स्किल्स किसने कहीं ना कहीं से मेरे को हेल्प करा, ठीक है, पैसे कहीं ना कहीं, जे में एक पैसे नहीं है बंदे ने मेरे को दिया, ठीक है, और मेरे कोई आइडिया नहीं लाइफ में क्या करना है, किसने बैठा के मेरे को समझाया, ठीक है, और मेरे को देने के लिए ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाले ने मेरे को ऐसी हेल्प करी कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा कि मैं थैंक यू कैसे बोलूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं ऑफर, मैं उस वो मेरी हेल्प क्यों करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं है मेरे से लेने के लिए। और जब वो लोग मुझे आज देखते हैं ना, उनको नहीं पता था कि मैं यहाँ तक, शायद उनको पता था या नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं 18 से 25 या 18 से मैं बोलूँगा 30 तक, ठीक है, ऐसा टाइम है कि सब में एक चमक होती है, ठीक है। जैसे मैंने जब बाबा को पहली बार मिला था, मैंने इसको ये बोला था कि तेरी आंखों में एक चमक है, ठीक है, तो तू लाइफ में उस चमक के साथ कुछ कर सकता है। तो मेरे को लोगों की आंखों में चमक दिखती है, तो मतलब कि जैसे कभी शायद किसने मेरे अंदर कहीं चमक देख ली हो और बिना वजह मेरी हेल्प करी हो और मैं आज यहाँ तक हूँ, तो मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है। और मैं चाहे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई को सोचता है कि मैं लाइफ में कुछ बन जाऊंगा तो मैं कुछ करूंगा, आज भी मैं हर जगह ट्राई करता हूं कि जहां पे भी मैं कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर सकूं मैं वो करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत लोगों ने यहां तक पहुंचाया और मैं बहुत लोगों को पहुंचा सकता हूं। चाहे छोटी सी भी हेल्प होगी ना, शायद उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे को लाइफ में बहुत बार हेल्प चाहिए थी, मेरे को नहीं मिली, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को लाइफ में बहुत टाइम हेल्प चाहिए थी, मेरे को मिली जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैं वो तोड़ना चाहता हूँ कि बंदा जब एक्सपेक्ट कर रहा था उसको नहीं मिली, मैं वो चाहता नहीं हूँ कि इसमें वो दिन देखना पड़े। तो कोई भी हेल्प, और जैसे कि आज भी तुम आपस में टीम वाइज काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो ट्राई करना कि अपने रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे रखना, मतलब कि यहाँ पे है ना, और आपस में जब भी तुम अपनी कम्युनिटी में भी जाओगे, समझ लो कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल्स में, अपने कहीं पर भी, तो इंस्पिरेशन बनो, एग्जांपल्स बनो, है ना, कि लोग तुम्हें लुकअप करें, छोटे बच्चे तुम्हें लुकअप करें। और जहाँ पे भी हेल्प कर सकते हो ना, हेल्प हमेशा ये नहीं होती कि आपको बहुत बड़ी चीज़ करनी है, किसी के लिए बहुत छोटी चीज़ भी, ऐसे बहुत लोगों ने कुछ एक दूसरे को आज कॉम्प्लीमेंट करा, शायद उसके लिए बहुत बड़ी बात हो, मतलब कि लाइफ में कभी उसको कभी कॉम्प्लीमेंट ना मिला, या वो उस चीज़ के बाद में इतना कॉम्प्लेक्स होगा, लाइफ भर उसने उसके साथ उस चीज़ के साथ बहुत लड़ा होगा खुद। तो आप अगर वो चीज़ बोल रहे हो सकती है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स जिंदगी भर का उसी सेकंड पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि शायद इसको कभी किसने बोला है तो अच्छा गाता नहीं है, ठीक है, लाइफ में शायद पहली बार कोई कहीं गा रहा होगा, इसने उसको बोला कि भाई तू बहुत बढ़िया गा रहा है, तो कंटिन्यू गए, शायद उस दिन के बाद ये अभी तक गा रहा होगा, और शायद वो बंदा ना बोलता शायद ये सिंगिंग छोड़ जाए, कुछ भी हो सकता था। तो तुम्हारे हर छोटे एक्शंस बहुत वैल्यूएबल हैं, ऐसे बाबा ने बोला कि सिंपल सिंपल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं। तो जहाँ भी जाओ, बीएम के में रहो, कम्युनिटी में रहो, अपनी कम्युनिटी में जाओ, एग्जांपल्स रहना, और गुड वाइब्स वाइब्स साथ में रखना अपने, और एक चीज़ में हमेशा बिलीव करना, जो कि है इंट्यूशन और गुड गुड गट फीलिंग। Do
baby, you're my baby. रंगीन कपड़ा भी छूट जाए सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा डिटर्जेंट पाउडर जिंदगी मचल रही मगाती जिलाती पलक पलक में ख्वाब है सुन ये हवाएं जो गीत लाजवाब है खामोश दोनों